आज जैसे जन्माष्टमी है और हम लोग जन्माष्टमी का ही सीन शूट कर रहे हैं, और आज चूंकि इमली प्रेग्नेंट है तो विवान ने उसके लिए बहुत सुंदर सी झांकी सजाई है, और फिर उसकी हम लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है, ये लोग गाना गा रहे हैं, और इसी बीच जो है झूले में आग लग जाएगी, विवान गिर गया है, तो ड्रामा भी हो रहा है इसमें। वही झूला उसने जो सजाया है वो इमली को सरप्राइज़ देना चाहता है, चूँकि इमली प्रेग्नेंट है तो वो उसको खुश देखना चाहता है, इसलिए उसने उसके लिए झूला सजाया और छिपा के रखा है, जो कि ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं इंजॉय एकदम नहीं कर रही हूँ इस पूजा में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि इमली का बच्चा हो, क्योंकि इमली का बच्चा जो है वो दरअसल सूरज का बच्चा है, और मैं सूरज से कहती भी हूँ कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, और सूरज जो है वो कह रहा है कि मम्मी तुम चुप हो जाओ, उसको चूँकि इमली से प्यार हो गया है, ये बात मुझे नहीं पता है, लेकिन प्यार हो चुका है उसको उससे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया है। इसी भी झूले विमान गिर जाएगा, झूले में आग लग जाएगी, एक अलग दूसरी तरह के ड्रामा शुरू हो जाएगा। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सारी चीज़ें तैयारी की तुमने आज क्या क्या? हाँ, आज मैंने प्रसाद में लड्डू बनाए हैं, लड्डू के साथ साथ में मक्खन मन लिया है बाल गोपाल के लिए, और खूब तैयारी की है, खूब सजाया है घर को, तो मुझे तो बहुत इन्जॉय, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। दही हांडी कल हम करने वाले हैं, आउटडोर कल हमारा शूट है, आप लोग आइएगा देखने। दही हांडी में हमारा बेटा सूरज दही हांडी फोड़ेगा, और आने वाले सीक्वेंस अभी आगे के सीक्वेंस तो खुद ही नहीं पता होते अगले एपिसोड में होगा क्या, तो बस ये पता है कि अभी कमल नारायण जी की एंट्री होने वाली है, ये एक बड़ा ड्रामा है, और फैंस को यही कहेंगे कि वो लोग उड़ान देखें, उड़ान को बहुत सारा प्यार दें, और उड़ान उनको खुशियाँ दे, बहुत सारी जो वो चाहते हैं उस तरह के उड़ान में ट्रैक्स आए, वो एंजॉय करें, हम सबको बहुत प्यार दें, बहुत प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।